जहानाबाद व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में जिला जज राकेश कुमार सिंह की दरियादिली देखने को मिली है। कोर्ट में आए एक बुजुर्ग लगभग 18 साल पहले बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन बुजुर्ग कर्ज नहीं लौटा पा रहा था। वहीं बैंक द्वारा बार बार उस बुजुर्ग को नोटिस भेजा जा रहा था। इसके पहले भी उसे नोटिस भेजा गया था और लोक अदालत में शामिल होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बुजुर्ग जैसे ही लोक अदालत में ऋण समझौता के लिए पहुंचा तो बैंक द्वारा उसे 18,000 के डिमांड की गए। बुजुर्ग ने कहा कि मैं बेटी की शादी में कर्ज में डूब चुका हुआ हूं, इसलिए मेरे पास 5,000 से अधिक नहीं हो सकता। और ये कहकर बुजुर्ग रोने लगा। जैसे ही जज राकेश कुमार को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने बुजुर्ग को देखकर दया आ गई और उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि किस बुजुर्ग का कर्ज मैं अपने पैकेट से दे रहा हूँ, और उन्होंने अपने इस कर्ज को चुका दिया। जैसे इस बात की चर्चा लोगों को लगी तो पूरे न्यायालय परिसर में जज साहब की प्रशंसा शुरू होने लगी। कर्ज लड़की के शादी के लिए लिए थे और हमसे कर्ज चुकाया नहीं, हम पर नोटिस हो गया। हम कर्ज 5,000 रुपया लेके मालिक वसूल करने के लिए, तब हमको पास पैसा नहीं था, 18,000 मांग रहे थे 600। जज साहब आ गए, जज साहब ने हमको मदद किया कि हम 10,000 दे देंगे गरीब ग्राम। 5,000 आप दिए और 3,000 और कौन दिए? 3,000 हम लड़का ही कहा है गाँव घर के लिए, बाकी 10,000 जज साहब। जज साहब क्या कहेंगे जज साहब को आप? जज साहब का फुला आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। और क्या नाम हुआ आपका जी? क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र तिवारी। कहाँ से आए हैं आप? आदमपुर। 107